सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं फैशन मेकर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ये जो पैंट आप देख रहे हो, ये जो स्टाइलिश पैंट है, इसका स्टिचिंग हमने किस तरीके से किया है इस वीडियो में आज आप वो देखने वाले हैं। और इससे पहले हमने इसका कटिंग का वीडियो बनाया है जो हमने दो पार्ट में बना के रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने बहुत ही अच्छे से समझाया है दोनों पार्ट में कि किस तरीके से आप इस पैंट को कटिंग कर सकते हो। मतलब किसी का भी नाप का हो और किसी का भी बनाना हो तो आप वो वीडियो को देख के इसकी कटिंग कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इसको स्टिचिंग किस तरीके से किया जाएगा और किस तरीके से हमने इसको स्टिचिंग किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, वो वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो बहुत ही ईजीली समझ में आ जाएगा। दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन को क्लिक करके भी आप वो दोनों वीडियोस को देख सकते हो। सो उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करो। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और कैसे हमने स्टिचिंग किया है वो मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा टेबल पे ये जो पैटर्न हमने निकाला है अभी, ये जो है मेरा टेबल पे अभी ये आ नहीं रहा, इसलिए हमने इसको अभी ज़मीन पे बिछा लिया है। और ये जो मेरे पास फैब्रिक है, ये हमारे पास 60 अरज का फैब्रिक है, इसका जो विथ है वो 60 इंच का। तो इस पर मैं अभी कटिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने चारों पार्ट अलग अलग कटिंग किया था। तो यहाँ पे जैसे हमने चारों पार्ट अलग अलग कटिंग किया था तो यहाँ पे भी हम चारों पार्ट जो है अलग अलग इस पे भी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बैक पार्ट इधर से ले लेता हूँ, ये वाला पार्ट को, ये देखिए इस तरीके से, और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको हम घुमा के बिछाएंगे, हाँ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे हमने एक बैक वाले पार्ट को रखा है और दूसरे वाले पार्ट को हमने यहाँ पे इस तरीके से घुमा के रखा है, अभी हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने दो पार्ट को कटिंग कर लिया है, अभी दो पार्ट हमारा कटिंग करना बाकी है, तो अभी हम दूसरे वाले पार्ट को भी कटिंग कर लेंगे। सुबह यहाँ पे हालत देख सकते हो मेरे फेस का, अभी पंखा भी बंद है, इस तरीके से कटिंग करना पड़ा। तो अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज, यहाँ पे मेरा पैंट जो है कटिंग हो चुका है, अभी मैं यहाँ पे स्टिचिंग करने वाला हूँ। तो जैसे कि सब पैंट का स्टिचिंग होता है कि यहाँ पे हम पहले एक पार्ट रखेंगे जो हमारा सीधा रहेगा और इसके ऊपर हम एक पार्ट रखेंगे जो हमारा उल्टा रहेगा। इस तरीके से दोनों जो सीधा वाला पार्ट है उसको अंदर करके हम एक सिलाई लगा लेंगे और ये जो पार्ट है जो हमारा फ्लफ होके आने वाला है उसको हम यहाँ पे अभी पहले जॉइंट कर रहा हूँ। तो आप अगर कटिंग का वीडियो देखा है और अगर आप इस पैंट को समझ रहे हो तो आप ये भी, आप स्टिचिंग भी आप समझ जाएंगे। आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ये देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले जो फ्लैप वाला साइड है उसको हम पहले यहाँ पे एक जॉइंट लगा लेंगे। तो यहाँ पे मेरा एक सिलाई लग गया है और यहाँ पे मैं दूसरा एक सिलाई लगाने वाला हूँ, जो सिलाई हम पीछे हाथ रख के लगाएंगे ताकि जो भी आपका मटेरियल्स होता है जो सिलाई लगाने के बाद जो बढ़ जाता है तो वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने एक साइड का सिलाई लगा लिया है, ये देखिए ये मेरा एक पैर का पीस है जो फ्लैप, जो पार्ट में आपका फ्लैप आने वाला है जो उल्टा होके आने वाला है उस साइड का ये पार्ट है। तो यहाँ पे हमने साइड का सिलाई लगा लिया है, अभी हम इसका जो क्रॉस एरिया होता है उसको सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरा ये पार्ट सिलाई हुआ है और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे मेरा एक साइड का सिलाई लग चुका है, अभी हम दूसरे वाले पार्ट का, दूसरे वाले साइड का सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरे वाले पार्ट को ले लिया है सेम प्रोसेस से, जैसे हम दोनों सीधा वाला पार्ट को अंदर रख के इस तरीके से हम रखते हैं उसके बाद हम साइड का सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं दूसरे पार्ट का सिलाई लगा रहा हूँ, दूसरे लेग्स का। तो यहाँ पे मेरा ये भी लग चुका है और यहाँ पे भी आप दोनों दो सिलाई लगा सकते हो या फिर आप एक सिलाई से भी काम चला सकते हो।
उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा क्रॉस एरिया होता है या फिर जो अंदर वाला साइड होता है उसका हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं अंदर वाला पार्ट का सिलाई लगा लेता हूँ पैंट का। ये देखिए इस तरीके से आपका जो लेग्स तैयार होता है उस तरीके से हमने अंदर वाला पार्ट का सिलाई लगा लिया है। उसके बाद हम दूसरे वाले पार्ट को भी सिलाई लगा लेंगे सेम प्रोसेस से जैसे हमने इस पे साइड का सिलाई लगाया था। अभी हम इसका भी अंदर वाले पार्ट का सिलाई लगा लूँगा और जिससे हमारा जो है एक जो लेग्स होता है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरा ये वाले पार्ट का भी हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो अंदर वाला पार्ट है तो उसको मैं यहाँ पे अभी सिलाई लगाने की ट्राई कर रहा हूँ। और ये फैब्रिक जो है बहुत ज़्यादा स्लिप करता है और ये पैंट का जो हमने फर्मा निकाला था ये भी कभी बड़ा है, तो इसको आप देख सकते हो यहाँ पे मैं साइड का सिलाई लगा रहा हूँ अंदर वाला साइड का। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने दोनों पैर का जो है अंदर वाला सिलाई लगा लिया है। और नीचे का जो बॉटम पार्ट होता है यहाँ पे अगर आपको कुछ भी कम ज़्यादा होता है तो उसको आप थोड़ा सा इसको शेप लेके कटिंग करके इसको भी हम फोल्ड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा दोनों पैर का मतलब तैयार हो चुका है राउंड। और इस तरीके से हम अभी इसका आगे का काम कर सकते हैं, जैसे कि हम इसका अभी जो क्रॉस एरिया होता है उसको हम अभी इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। और इसका जॉइंट करने का जो सही तरीका होता है, आप कोई भी एक पैर को उठा लीजिए, उसको एक उल्टा कर लीजिए या फिर एक सीधा कर लीजिए। और ये यहाँ पे मैं उल्टा जो पार्ट है उसके अंदर जो सीधा वाला पार्ट है उसको हम डालेंगे और जो आगे का पार्ट है या फिर जो पीछे का पार्ट है दोनों को मिला के आप एक सिलाई लगा सकते हो, जिस तरीके से आपका दोनों फ्रॉक जो है अच्छे से सिलाई लग जाएगा और आपको ज़्यादा उलझन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे आपका जो दोनों जो भी पैर रहेगा उसको आप कोई भी एक को उल्टा कर लीजिए और एक को सीधा कर लीजिए और उसको अंदर उल्टा वाले पार्ट को अंदर आप सीधे वाले पार्ट को डाल लीजिए तो आपका ये फॉक का बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे भी सेम प्रोसेस से कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो दोनों आगे वाला पार्ट है या फिर दोनों जो बैक वाला पार्ट है आप कोई भी साथ में ले लीजिए और उसको आप राउंड जोड़ लीजिए। तो इस तरीके से आपका ये फॉक का सिलाई लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं वही प्रोसेस से सब पैंट में करता हूँ और इस पर भी वही सेम प्रोसेस में यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमने जो है फॉक का जो सिलाई होता है जो क्रॉस एरिया होता है उस पर हमने दो सिलाई लगा लिया है। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे दो सिलाई लगा लिया है। अभी जो है हमारा दोनों पैर तैयार हो गया है। अभी मेरा काम जो है हिप्स पर आ जाएगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमने सिलाई लगाया है उस पर हम इंटरलॉक कर लेंगे। इस तरीके से मेरा यहाँ पे सेम धागे से इंटरलॉक चलता है तो मैं यहाँ पे धागा चेंज कर लूँगा और जो है मैं ब्लैक धागे से हर जगह पे जहाँ पे हमने स्टिचिंग किया था उसको हम इंटरलॉक कर लेंगे। तो जिससे आपका फिनिशिंग भी अच्छा हो जाता है, जब से आप जैसे आप स्टिचिंग भी करेंगे और इंटरलॉक भी करेंगे तो आपका फिनिशिंग कहीं ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, बेल्ट वेल बनाने से पहले ये जैसे ही आपका दोनों पैर रेडी हो जाता है उसको हम आयरन कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि अभी आप अच्छे से आयरन करेंगे तो आपका पैंट में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग हो जाएगा और बाद में अगर आप करने जाएंगे तो इतना अच्छे से ये आयरन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे मेरा हर पैंट का अगर आप पहले वाले भी वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि हमने बेल्ट बनाने से पहले इसको हम पहले आयरन कर लेते हैं और बहुत ही अच्छे से इसको आयरन कर लेते हैं, उसके बाद हम बेल्ट बनाने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम वही सेम प्रोसेस से करेंगे, जहाँ जहाँ हमने सिलाई लगाया है उसको जैसे भी आपको फिनिशिंग सा लगे तो आप उस तरीके से इसको आयरन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये पैंट को अभी आयरन कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मैं हर जगह पे जो फॉक का एरिया होता है जो साइड का एरिया होता है आपको आयरन कर लेना है, तभी आपका पैंट में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगा और आपका काम जो है देखने में भी अच्छा रहेगा और बनने के बाद भी उसका लुक जो है टोटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आयरन लगा लिया है। अभी मेरा जो नेक्स्ट काम होगा वो होगा बेल्ट बनाने के लिए। तो बेल्ट बनाने के लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है और ये जो पैंट का प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ और इसको आप ध्यान से सुनिए। ये देखिए यहाँ पे मेरा जो आगे वाला पार्ट है, यहाँ पे ये आगे वाले पार्ट का जो साइड वाला पार्ट है उसको हम लेके ये जो साइड का पार्ट है यहाँ पे एक चेका लगा लेंगे, जहाँ से हमारा ये दूसरा वाला जो पार्ट है जो फोल्डिंग वाला पार्ट है जो फ्लैप होके हमारा आगे आएगा उसका हमको निशान मिल जाएगा। और यही सेम प्रोसेस से ये देखिए ये मेरा आगे वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे भी एक निशान लगा लिया है ताकि मेरा दोनों आगे वाला पार्ट जो है सेम तरीके से मिल जाए। और ये सेम प्रोसेस से हम बैक वाले पार्ट को भी करेंगे। सेंटर से हमको लेना है और जो साइड का हमने रखा है वो साइड का हम यहाँ पे एक चेका लगा लेंगे ताकि हमारा जो बैक का जो साइड का पार्ट है इसको भी हम पता चल जाएगा कि किस कहाँ पे हमारा बैक का साइड आने वाला है। तो इस तरीके से हम ये जो एक्स्ट्रा हमने रखा था कटिंग के टाइम पे आपने देखा होगा
यहाँ पे हमने एक दोनों पे चेका लगा लिया है ताकि आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये साइड का आने वाला है। और उसके बाद हम जहाँ तक चेका लगाया है इसको हम एक स्टिचिंग से दोनों को फिक्स कर देंगे और ये दोनों फ्लफ होके आगे आने वाला है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ से हमको स्टिचिंग लगाना है ये चेका तक, और ये चेका इस तरीके से ऊपर आके ये आगे आपका अटैच होने वाला है आगे वाले पार्ट के साथ, और बैक वाला पार्ट आपका फ्री रहेगा और उसको हम फिर राउंड बेल्ट घुमाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। ये देखिए यहाँ से लेके हमने आगे का जो पार्ट है साइड का उस पर हमने किया है, और यहाँ पे मेरा आगे वाले पार्ट में डार्ट्स भी है तो हम यहाँ पे पहले डार्ट्स भी लगा लेंगे, और उससे पहले हमने यहाँ पे साइड का चेका भी लगा लिया है। ये देखिए ये दोनों चेका को हम ज्वाइन करके जो हमारा फ्लैप वाला पार्ट है उस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी काम ये रहेगा, यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और उससे पहले हम यहाँ पे जो हमारा डार्ट्स लिया था उस पर हम डार्ट्स लगा लेंगे, डार्ट्स का सिलाई लगा लेंगे और साइड का सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम बेल्ट तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने मिडिल करके जो है हमने डार्ट्स का निशान ले लिया है, और अगर आपने कटिंग के टाइम पे भी यहाँ पे मार्किंग करते हैं तो भी आपको अच्छे से मालूम पड़ जाता है। तो यहाँ पे ये जो साइड है ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हम पहले सिलाई लगा लेंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। तो अभी मैं मशीन पे चलूँगा और यहाँ पे मैं यहाँ पे ये जो पार्ट है इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इसको अच्छे से जॉइंट को मिला के इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। ये जहाँ तक हमारा चेका है यहाँ तक हम इसको सिलाई लगा के फिर बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों पार्ट अटैच हो जाएगा, और इसका जो भी कम ज़्यादा रहेगा उसको आप इसको कटिंग करके इसको सीधा कर सकते हो, अच्छे से आपका फिनिशिंग बहुत अच्छा आ जाएगा। तो ये जो हमने साइड का चेका लगा लिया है ये देखिए ये हमारा डार्ट्स भी लग गया है आगे का, और ये देखिए इस तरीके से ये आगे आने वाला है। ये देखिए इस तरीके से ये इसके ऊपर आगे वाले पार्ट के ऊपर ही आने वाला है, और यहाँ पे हमने जो चेका लगाया है इस तरीके से पकड़ेंगे अच्छे से, और जो आगे वाला पार्ट है ये आगे वाले पार्ट के ऊपर इसको हम अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा तीनों पार्ट आ जाएगा, दो पार्ट हमने जो फ्लैप किया है वो दोनों, और जो हमारा मेन अंदर का पार्ट है उस पर। तो ये देखिए ये तीनों पार्ट को हम मिला के एक स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारा ये फिक्स हो जाए, और उसके बाद हम इसके ऊपर बेल्ट को लगा सकते हैं। ये देखिए, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आप इसको अच्छे से समझ के देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से हम जो है नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमारा जो फ्लैप ऊपर आता है वो पार्ट है, और जो हमने अभी सिलाई लगाया है वो हमारा आगे वाला पार्ट है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको राउंडिंग कर लिया है, और ये हमारा राउंड हो चुका है, और इसको हम दोबारा से और एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा अच्छे से ये बन जाए और बेल बनाने में हमको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे मेरा सिलाई लग चुका है, और उसके बाद यहाँ पे और हम कैंची से इसको काट लेंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा रहेगा या फिर जो भी आपको मिलाने में कम ज़्यादा होगा उसको हम इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे, और इस तरीके से हमारा ये फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद हम नीचे का जो बॉटम पार्ट है उसको भी हमें हेमिंग कर लेंगे, और उसके बाद हम बेल्ट बना लेंगे। और अगर आपको बेल्ट बनाना आता हो तो आप इसको अपने हिसाब से बेल्ट बना सकते हो, आप इसको ओवरऑल लास्टिक भी कर सकते हो। और यहाँ पे हमने जो किया है वो किया है हमने आगे बेल्ट और पीछे लास्टिक किया है, जैसे कि उस तरीके से अगर हम करेंगे तो आपका पैंट का लुक भी और अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो बेल्ट है हमारा नीचे का जो बॉटम है उसको हम हेमिंग कर लेंगे दोनों पार्ट में, उसके बाद हम जो है बेल्ट बना लेंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक सीधा कपड़ा ले लिया है जो भी हमारा साइड से बचता है वो, और जो आपका आगे वाला पैंट का पार्ट है दोनों पार्ट मिला के जो आएगा उस पर हम बेल्ट लगाएंगे जिस पे हमारा बकरम रहेगा, और जो पीछे वाला पार्ट है वो आपका वेस्ट के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे इलास्टिक लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं बकरम जो है मतलब अच्छी क्वालिटी का बकरम है, इसको हम पेस्ट कर देंगे प्रेस से इस तरीके से, जिस तरीके से जेंट्स का पैंट में आपका बेल्ट यूज़ होता है उस तरीके से हम यहाँ पे बेल्ट का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मेरा जो बेल्ट का चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक फैब्रिक ले लेंगे, और उसको हम अच्छे से कटिंग करके पूरा जो हमारा वेस्ट लाइन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको ले लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा वेस्ट का पार्ट है उस पर हम इस तरीके से इसको राउंड घुमा देंगे, जहाँ पे आपका आगे वाला पार्ट पे बेल्ट आ जाएगा और पीछे वाले पार्ट पे लास्टिक आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो बेल्ट होता है यहाँ पे मैं उल्टा साइड से लेके सीधे तरफ इसको पलटी करता हूँ, आप किस तरीके से करते हो आप मुझे बताना, और आपको जिस तरीके से ईजी रहेगा आप उस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से करता हूँ कि हमारा जो सीधा वाला पार्ट है उस पर हम ले कर आते हैं, और वहाँ पर हमारा एंडिंग जो सिलाई होता है मेन सिलाई उस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं।
तो यहाँ पे हमने आगे वाला जो पार्ट था, यहाँ पे हमने बकरम वाला पार्ट को रख के हमने इस तरीके से फोल्डिंग कर दिया था, मतलब अटैच कर दिया था। उसके बाद इस तरीके से फोल्डिंग होने वाला है मेरा। तो यहाँ पे मैं अपना वेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं इलास्टिक ले लूँगा, जैसे कि हमारा जो भी वेस्ट रहेगा, जो आगे का बेल्ट है। और इसके पहले भी हमने बहुत सारा वीडियो में बता के रखा है पैंट का, कि किस तरीके से आपको बेल्ट का नाप लेना है और किस तरीके से आपको ये इलास्टिक का मेज़रमेंट निकालना है। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको लिए और भी नेक्स्ट वीडियो बना के बहुत ही एक्सप्लेन के साथ आपको ये सब क्लियर कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से मैं यहाँ पे फोल्ड कर रहा हूँ। ये हमारा बकरम वाला पार्ट है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे फोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा दूर से एक सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद हम पहले जो है आगे वाला जो हमारा पार्ट है, जहाँ पर हमने बकरम का यूज़ किया है, और इस तरीके से हम इसको सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, उससे पहले हमने ये बेल्ट बनाने से पहले हमने प्रेस से अच्छे से उसको फिक्स कर लिया है, और उसको जो है मोड़ के हमने फिक्स कर लिया है। तो इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे वाला जो पार्ट है हमारा बेल्ट का, उसको हम यहाँ पे एक स्टिच लगा लेंगे, और इस तरीके से आपका बेल्ट जो है फिनिश होता हुआ चला जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको एक सिलाई लगा लूँगा, ये देखिए। और ये सिलाई जहाँ पर ख़त्म होगा, जहाँ पर आपका बकरम ख़त्म होता है, उससे पहले हम क्या करेंगे, ये इलास्टिक को डालेंगे, आधा इंच को हम ओवरलैप करेंगे, और यहाँ से हम इलास्टिक को लगा देंगे। और ये दोनों इलास्टिक और बेल्ट को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, ये बेल्ट के ऊपर एक सीधा सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इसका मिडिल पार्ट में जैसे ये आपका आएगा बकरम और इलास्टिक के बीच में, इस तरीके से हम इसको यहाँ से घुमा देंगे, और यहाँ से ये देखिए एक सीधा हम सिलाई ले लेंगे, ताकि हमारा बेल्ट और इलास्टिक जो है दोनों अटैच हो जाए। और इलास्टिक को हम अभी खींचेंगे यहाँ पे, तो भी आपका इलास्टिक जो है बाहर नहीं आएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये आपको बहुत ही बारीकी से करना पड़ता है, जहाँ से आप सिलाई लगा रहे हो इसके अंदर आपका इलास्टिक जो है आधा इंच तक आपको इधर ओवरलैप होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने दो सिलाई लगा लिया, एक हमने बाहर की तरफ लेके गया था, एक हमने दूसरी की तरफ लेके आया। और इस तरीके से ये देखिए, बेल्ट को हम इसको अच्छे से रखेंगे, और जो हमारा एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है उसको हम मोड़ने के बाद इस तरीके से उसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। और आप इस पर देखेंगे कि ये जो हमारा इलास्टिक है, इसको हमने अभी कट नहीं किया है लंबाई में, यहाँ पे हमने सिर्फ एक मार्किंग कर लिया है जहाँ तक हमको इलास्टिक चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका इलास्टिक जो है छोटा नहीं पड़ेगा, और आपको सिलने में बहुत ईजी रहेगा। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम जो बेल्ट का भी सिलाई लगा रहे हैं इलास्टिक के ऊपर से, मतलब इलास्टिक के ऊपर से नहीं है, इलास्टिक के बाजू से हमारा जा रहा है, इलास्टिक हमारा बिल्कुल भी फ्री है। और ये आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से मैं यहाँ पे इलास्टिक को खींच रहा हूँ। यहाँ पे इलास्टिक को हमने लंबा लेंथ से हमने काटा नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पे मार्किंग किया। ये देखिए, यहाँ पे हमारा मार्किंग है, और अभी हम इसको कट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे भी हम आधा इंच रख के कट करेंगे, और ये देखिए, और वैसे ही हम इसको खींच लेंगे। और यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट इलास्टिक का सिलाई लग चुका है, थोड़ा सा ही बाकी है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको खींच लूँगा, और इस तरीके से मेरे को जितना ओवरलैप रखना है, आधा इंच या फिर एक इंच, जैसे भी अपने नाप के काटा हो, तो उस तरीके से हम रख के इस पर सिलाई लगा लेंगे। और जैसे ही हमने स्टार्टिंग में इलास्टिक और बेल्ट को अटैच किया था, उसी तरीके से हम एंड पे भी इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये एंड वाला पार्ट आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा अगर आपको नहीं आता हो, तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे मैं इलास्टिक को कटिंग कर दिया है, और यहाँ पे मैं वो जो सिलाई लगाया था सबसे पहले, इसको हम थोड़ा सा खोल देंगे, और ये बकरम और इलास्टिक को हम ओवरलैप कर लेंगे। और जब तक आपका ओवरलैप नहीं होता, तब तक आप इसको थोड़ा खींच के आप ले सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे मेरा ओवरलैप हो चुका है, और इस तरीके से हम इसको अच्छे से रख के और इसको फिनिश कर देंगे। और जैसे हमने वहाँ पे भी एक सिलाई लगाया था, यहाँ पे भी हमने यहाँ पे दो सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये एंड वाला पार्ट जो जॉइंट वाला पार्ट है, ये आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से करना रहेगा, तो भी आपको तभी आपका जो है पैंट का बेल्ट में बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा। तो यहाँ पे सब आपका दिमाग का खेल होता है कि किस तरीके से आप इसको फिनिश कर रहे हो। ये देखिए, यहाँ पे हमने आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से आपने जॉइंट रखा है और किस तरीके से आप इसको कर रहे हो। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरा ओवरलैप हो चुका है, यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा लिया है, और फिर हम दूसरी सिलाई इस तरीके से घुमा लेंगे, ओके। और उसके बाद इसके ऊपर से और एक सिलाई लगा लेंगे, और उसके बाद जो मेन सिलाई आपका रहेगा, वो इलास्टिक के ऊपर से अभी आप मिडिल पार्ट से एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, उससे पहले हमने जो बेल्ट बनाया था, उसका बेल्ट का हम एंड पे, दोनों एंड पे आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हो, दोनों एंड पे भी आप रख सकते हो, या फिर आप एक दाब का भी सिलाई लगा के आप वो दोनों बेल्ट को फिनिश कर सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इस तरीके से कुछ बेल्ट को फिनिश किया है, ये आपको देखने को मिल रहा होगा।
और उसके बाद आप बेल्ट में एक एंड पे यहाँ से सिलाई लगा लेंगे तो वो बेल्ट जो बनेगा आपका और अच्छा बन जाएगा, जैसे कि जेंट्स में बनता है। और उससे पहले ये इलास्टिक को आप खींच के मतलब एक सरका कर लेंगे कि कहीं पे भी आपका फैब्रिक जो है तो ज़्यादा जमा हुआ ना रहे, तो उसको हम इस तरीके से खींचेंगे तो आपका ये एक जैसा हो जाएगा। उसके बाद हम बेल्ट पे एक सिलाई लगा लेंगे, बेल्ट का एंड में हम एक सिलाई लगा लेंगे थोड़ा सा दूरी पे, ताकि आपका देखने का जो लुक है वो अच्छा हो जाए। इस तरीके से हम यहाँ पे एक ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद थोड़ा सा घुमाते हुए लेके आएंगे और जो हमारा इलास्टिक लगाया था उसके बीचों बीच हम इसको इस तरीके से खींचते हैं और फिर एक सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम दो सिलाई भी लगा सकते हैं आधा आधा गैप पे, आधा आधा इंच का गैप पे, वो भी आपको देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो यहाँ पे मैं मिडिल से एक ही सिलाई लगा रहा हूँ और ये आप देख सकते हो ये जो हमारा बेल्ट बना है किस तरीके से बना है और इसका ओवरऑल लुक कैसा है ये भी आप देख सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से एक प्रेस कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बेल्ट आपका किस तरीके से बना है। तो आई होप आपको ये देखने में भी मज़ा आएगा और ये पहनने में भी मज़ा आएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो बेल्ट है ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने बनाया है और इसका फिनिशिंग आप देख सकते हो। तो आई होप आपको ये बेल्ट का भी समझ में आया गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं इसके ऊपर भी डिटेल्स वीडियो बना दूंगा इन फ्यूचर। तो ये देखिए ये आपका बेल्ट जो है किस तरीके से बना है और इसका फिनिशिंग आप देख सकते हो। ये आपके ऊपर है आप किस तरीके से फिनिशिंग करते हो आपके काम में, और आपका स्टिचिंग आपका काम जो है इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो और कितना स्टिचिंग आप ले रहे हो, उसी हिसाब से आपको आपका कस्टमर आपको पे करते होंगे। तो सब कुछ आपका फिनिशिंग और स्टिचिंग के ऊपर ही होता है, और कटिंग्स भी मैटर करता है। कटिंग्स आपका अच्छा नहीं होगा तो आप स्टिचिंग किस तरीके से अच्छे करेंगे, और कटिंग के बाद भी आपको स्टिचिंग में भी ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो पैंट है बन के तैयार हो गया है, और आई होप आपको ये पैंट समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप ये पैंट आपको पसंद आया है तो भी आप इसको बना के पहन सकते हो, और ये पैंट लेडीज़ जेंट्स दोनों पहन सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये बहुत ही अच्छा लुक देता है आपको। तो ये आप देख सकते हो इसका लुक और ये ओवरऑल अभी हमने आपके सामने बनाया है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, जो भी मुझे पता है कि सब लोग नहीं देख रहे होंगे, अगर जो भी लोग देख रहे हैं यहाँ तक वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर किया होगा। तो अगर आपने नहीं किया है तो भी आप कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपका कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता दो। और मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा और अच्छे अच्छे आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, और थैंक यू सो मच आपको यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए। और फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और कमेंट करना मत भूलना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, फैशन मेकर नाम है इंस्टाग्राम पे। आपको कुछ भी पूछना है आप वहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो टेक केयर, बाय बाय।